ईवीएम को लेकर चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस समेत करीब 21 विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों ने ईवीएम को लेकर हल्ला बोल रखा है। इन सबके बीच अब चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग की है। इसके लिए आयोग की तरफ से कानून मंत्रालय को खत भी लिखा गया है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही देश में ईवीएम को लेकर हल्ला मचा हुआ है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ आधार आधारित निर्वाचन प्रणाली लागू करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है, जिसे लेकर वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें फर्जी मतदान रोकने और निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड पर आधारित मतदान प्रणाली लागू करने की मांग की गई। दलील दी गई कि अगर आधार कार्ड को मतदान पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस संबंध में दिशा निर्देश तय करने को कहा था। हाई कोर्ट ने जुलाई में अपना फैसला सुनाया था और 8 सप्ताह के भीतर इस पर आगे बढ़ने को कहा था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग कर दी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अधिकार दिया जाए कि वो वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार लिंक कर सके। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे बोगस वोटर कार्ड पर रोक लगेगी। ये कदम राष्ट्र हित में होगा। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इससे पहले भी सरकार से आग्रह कर चुका है, लेकिन तब आधार मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, जिसकी वजह से सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब आयोग को उम्मीद है कि इस पर मंत्रालय सकारात्मक पहल करेगा। लेकिन यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग की इस पहल से क्या विपक्ष का विश्वास वापस लौट पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।